मैं डॉक्टर अशरफ बिहारी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, करीम सिटी कॉलेज। मैं आज सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर CC7 जो कि डिडक्टिव लॉजिक है, जिसका टॉपिक अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, तर्क वाक्यों का विरोध, इसको डिस्कस करूँगा। ट्रेडिशनल लॉजिक में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन निरपेक्ष तर्क वाक्यों के बीच एक विशेष प्रकार का फर्क होता है। उसे ही तर्क वाक्यों के बीच विरोध, अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन की संज्ञा दी जाती है। सवाल यह है कि तर्क वाक्यों के बीच किस प्रकार का अंतर होगा जिसे हम विरोध, अपोजिशन कहेंगे। हम जानते हैं कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन निरपेक्ष तर्क वाक्य चार होते हैं, ए, ई, आई और ओ। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, ई यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशंस। इन तर्क वाक्यों के बीच में जिनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक समान होता है, एक होता है, लेकिन उनमें गुण का या परिमाण का या गुण और परिमाण दोनों का फर्क होता है, तो उनके इस बीच इस तरह के संबंध को हम अपोजिशन और प्रोपोजिशन कहते हैं। नहीं, अपोजिशन और प्रोपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट बट डिफरिंग क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। ये गुण और परिमाण का जो फर्क होता है, किस तरह का फर्क होता है, कैसे होता है इन प्रोपोजिशन के बीच में, क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसमें गुण का फर्क है, इसमें परिमाण का फर्क है, या गुण परिमाण का, दोनों का फर्क है। प्रोपोजिशन ए हम जानते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन है, ई यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन है। जब दो प्रोपोजिशन में एक अगर अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव, तो ये फर्क गुण का होता है। और जब एक प्रोपोजिशन यूनिवर्सल है, दूसरा पर्टिकुलर है, तो ये क्वांटिटी का फर्क है। और जब अफर्मेटिव और एक अनफर्मेटिव हुआ, इन्वर्सल हुआ, और दूसरा अगर पर्टिकुलर निगेटिव होगा, तो ये जो फर्क होगा वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का फर्क पाया जाएगा। ये जो फर्क है, अंतर है, ये अंतर चार तरह का होता है, है ना, चार तरीके से होता है। इसीलिए अपोजिशन और प्रोपोजिशन के चार प्रकार हो गए, काइंड्स हो गए। पहला कॉन्ट्ररी अपोजिशन, विपरीत विरोध। दूसरा सब कंट्ररी अपोजिशन, यानी विपरीत विरोध। तीसरा सब अल्टर्न अपोजिशन, उपाशित विरोध। और चौथा जो होगा कंट्राडिक्टरी अपोजिशन, व्याघातक विरोध। अब इसे हम समझने की कोशिश करें कि कंट्ररी अपोजिशन, विपरीत विरोध क्या है, कैसे होता है, किनके बीच होता है। कंट्ररी अपोजिशन पहले हम समझें कि ये है क्या, किस तरह का विरोध है। ये हम जानते, ये कोई भी संबंध जो अपोजिशन प्रोपोजिशन है, ये हम जान चुके हैं कि ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बीच होता है, ठीक है। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के जब बीच होता है, लेकिन इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं, जैसे कि पहले मैंने डिफाइन किया अपोजिशन और प्रोपोजिशन के, है ना। तो कंट्ररी अपोजिशन भी जब होगा तो दो प्रोपोजिशन के बीच होगा, एक में तो विरोध होगा ना, विरोध के लिए जरूरी है कि एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, तो दो प्रोपोजिशन के बीच में विरोध होगा। लेकिन ये विरोध, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक होगा, सेम होगा, लेकिन इनमें क्या क्वालिटी का फर्क होगा, यानी एक अफर्मेटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। और ये क्वालिटी का, विपरीत का जो विरोध है, वो ए ई के बीच पाया जाता है। यानी इसको हम इस तरीके समझे कि कंट्ररी अपोजिशन दो पूर्ण व्यापी वाक्यों, इनवर्सल प्रोपोजिशंस
के बीच का ऐसा संबंध है जिनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक होते हैं, एक तरह के होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनमें गुण का फर्क होता है। यानी कंट्ररी अपोजिशन इज द रिलेशन, इज द रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरिंग ओनली इन क्वालिटी। और यह संबंध ए और ई के बीच पाया जाता है। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन हुआ, ई यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन हुआ। जैसे हम ये कहें कि ऑल स्टूडेंट्स आर वाइज, ए प्रोपोजिशन है ये, और नो स्टूडेंट्स आर वाइज, ये ई प्रोपोजिशन है। तो इस तरह का जो फर्क है वो एक अफर्मेटिव हुआ, एक निगेटिव हुआ, तो ये क्वालिटी का फर्क है। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्ररी, सब कंट्ररी अपोजिशन। सब एंड कंट्ररी अपोजिशन में भी गुण का ही फर्क होता है, है ना। लेकिन ये जो फर्क होता है दो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के बीच में होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक होगा और ये फर्क पाया जाएगा आई और ओ के बीच में पाया जाएगा। जैसे सम स्टूडेंट्स आर वाइज, आई प्रोपोजिशन है ये, और सम स्टूडेंट्स आर नॉट वाइज, ओ प्रोपोजिशन है। तो आई और ओ का के बीच का जो फर्क है, यही दोनों का जो संबंध है, वो अनुविपरीत सब कंट्ररी अपोजिशन कहा जाता है। तीसरा है सब अल्टरन अपोजिशन, यानी उपाश्रित विरोध। उपाश्रित विरोध भी, इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, एक होगा, लेकिन इनमें क्वांटिटी का फर्क होगा। और क्वांटिटी का फर्क का मतलब यह है कि एक प्रोपोजिशन अगर यूनिवर्सल है तो दूसरा पर्टिकुलर होगा, है ना। जैसे ए और आई के बीच का रिलेशन, ई और ओ के बीच का रिलेशन, ए प्रोपोजिशन ऑल स्टूडेंट्स आर वाइज, ठीक है, आई प्रोपोजिशन सम स्टूडेंट्स आर वाइज, उसे ई प्रोपोजिशन ई और ओ के बीच में होगा, तो ई प्रोपोजिशन नो स्टूडेंट्स आर वाइज, ओ सम स्टूडेंट्स आर नॉट वाइज। इस तरह से ए आई और ई ओ के बीच जो संबंध है दो प्रोपोजिशन के बीच में, इस तरह संबंध को हम कहेंगे उपाश्रित विरोध। फोर्थ है कंट्राडिक्टरी अपोजिशन, है ना, व्याघातक विरोध। व्याघातक विरोध वो विरोध है जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का फर्क पाया जाता है। कंट्राडिक्टरी अपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट बट डिफरिंग इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। दोनों का फर्क, जब क्वालिटी का भी फर्क होगा और क्वांटिटी का फर्क होगा, तो इस किस तरह का फर्क होगा, ये इस तरह का फर्क होगा कि एक प्रोपोजिशन यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा तो दूसरा पर्टिकुलर निगेटिव होगा। फिर ऐसा भी होगा कि एक यूनिवर्सल निगेटिव होगा तो दूसरा पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा। और इस तरह का फर्क इस तरह से ए ओ और ई आई के बीच में पाया जाएगा। ए प्रोपोजिशन का हम एग्जांपल लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर वाइज, इसके साथ ओ प्रोपोजिशन आएगा, ठीक है, नो सम स्टूडेंट्स आर नॉट वाइज, उसी तरह से फिर ई और आई के बीच नो स्टूडेंट्स आर वाइज, ई प्रोपोजिशन है, और आई सम स्टूडेंट्स आर वाइज। ये फर्क जो हुआ, यानी ए आई के बीच और ई, सॉरी ए ओ के बीच और ई आई के बीच, ये फर्क कंट्राडिक्टरी अपोजिशन का फर्क है, यानी व्याघातक विरोध इसको कहेंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच।